वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फाइनली गाइज, गौरव राणा के निर्देशन में बनी फिल्म मैं लड़ेगा सिनेमा घरों में आ चुकी है, जिसमें आकाश प्रताप सिंह ने लीड रोल प्ले किया है। यह मूवी रियल स्टोरी पर आधारित है, जो घरेलू हिंसा से जूझते एक ऐसे लड़के की कहानी बताती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस से उपजे तनाव को कुछ कर दिखाने के जोश और जज्बे में तब्दील कर देता है। मूवी के स्टोरी लाइन की बात करें तो मूवी में आकाश के पिता उसकी मां पर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। उसकी मां अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहती रहती है और यह बात आकाश को पसंद नहीं आती। आकाश पढ़ाई में काफी अच्छा होता है। उसकी मां और उसके नाना उसे मिलिट्री हॉस्टल में भेज देते हैं। हॉस्टल आने पर उसे कुछ बदमाश लड़के तंग करते हैं और वह हॉस्टल छोड़ देने का फैसला करता है। तभी क्लास की टॉपर लड़की उसे समझाती है कि परेशानियों से भागने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। इन सब के बीच कॉलेज में बॉक्सिंग कंपटीशन की अनाउंसमेंट होती है। वह कंपटीशन जीतने का सपना देखता है ताकि वह अपनी माँ को एक अच्छी लाइफ दे सके, लेकिन यह सब इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि न तो उसे बॉक्सिंग आती है और स्कूल का बॉक्सर उसकी बॉडी देखकर उसे बॉक्सिंग सिखाने से मना कर देता है। हॉस्टल में उसकी बॉक्सिंग सीखने और जीतने की राह आसान नहीं है। क्या वो बॉक्सिंग जीत पाता है और अपनी माँ को अच्छी जिंदगी दे पाता है, यह सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मेंटल डिप्रेशन से जूझते छात्र से लेकर रिंग में दो दो हाथ करने के काबिल बने किरदार को आकाश ने बहुत ही अच्छे से निभाया है। आकाश ने अपने किरदार को पूरी शिद्दत से जिया है और उनकी को स्टार बनी वल्लारी विराज ने उनका अच्छे से साथ दिया है। इस फिल्म की कहानी प्रेरणादायक है। आकाश की एक्टिंग इस फिल्म को और भी ज्यादा इमोशनल बनाती है। यह कोई बड़े बजट की फिल्म नहीं है, लेकिन इसकी कहानी काफी अच्छी है। इस मूवी में गंधर्व दीवान, वल्लवी विराज और अश्वथ भट्ट ने अच्छा काम किया है। इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो गौरव राणा इस मूवी को स्टार्टिंग को एंडिंग से जोड़ने में फेल हो गए हैं, जहां स्टार्ट में डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया गया लेकिन अंत में इसका जिक्र तक नहीं होता है। साथ ही फिल्म का म्यूजिक भी थोड़ा वीक है। 2 घंटे और 28 मिनट की लेंथ और स्क्रीन प्ले फिल्म में बाधा उत्पन्न करता है। अगर फिल्म थोड़ी छोटी होती तो ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ती। इसके बावजूद फिल्म की कहानी बिल्कुल फ्रेश और जोश से बढ़ने वाली है और फिल्म का सब्जेक्ट भी यूनिक है। मूवी में किसी भी इमोशन और एक्शन को ओवर द टॉप नहीं किया गया है। आकाश प्रताप सिंह खुद इस फिल्म के स्टोरी राइटर है। उन्होंने डायलॉग भी लिखे हैं और स्क्रीन प्ले भी किया है। अगर आप कुछ अलग और यूनिक स्टोरी लाइन वाली मूवी देखना चाहते हैं तो आपको एक बार इस मूवी को जरूर ट्राई करना चाहिए। साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।